बड़े पर्दे पर फिल्मों को देखने का क्रेज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने से लोग टीवी से बिल्कुल दूर हो गए हैं। लोग अब चलते फिरते भी नेटफ्लिक्स या कहीं और आई सीरीज की बात करते हैं, और जाहिर सी बात है टीवी की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। लेकिन इस बात में भी बिल्कुल सच्चाई है कि 80 और 90 के दशक में आए सीरियल्स की जगह आज भी कोई नहीं ले सकता है। ये ऐसा दौर था जब दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल्स हर घर का हिस्सा होते थे, और कंटेंट ऐसा जो बमुश्किल ही आज के दौर में नजर आता हो। तो चलिए आज हम आपको दूरदर्शन के ऐसे ही 10 सीरियल्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको आज भी यूट्यूब पर सर्च करके देखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 80 और 90 का दशक ये दौर ही ऐसा था जब लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। इसी चैनल पर कई शोज आया करते थे जिनमें कुछ डिटेक्टिव यानी जासूसी पर आधारित सीरियल्स भी थे। उन्हीं में से एक सीरियल था ब्योमकेश बख्शी। ये सीरियल शरदेंदु बंदोपाध्याय की किताब ब्योमकेश बख्शी पर आधारित था। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी और ये 1997 तक चला था। इसी शो को शर्लॉक होम्स का इंडियन वर्जन भी माना जाता है। कलकत्ता की गलियों में मिनटों में कोई केस सुलझाने वाले डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी का किरदार रजत कपूर ने निभाया था। सीरियल में ब्योमकेश बख्शी और उनके दोस्त अजीत बैनर्जी हर केस सुलझाने में जी जान लगा देते थे। अजीत बैनर्जी का किरदार के रैना ने निभाया था। वहीं शो में ब्योमकेश बख्शी की पत्नी का किरदार सुकन्या कुलकर्णी ने निभाया था, जिनके चाचा जी का केस भी ब्योमकेश बख्शी ने ही सुलझाया था। इस शो के टोटल 34 एपिसोड्स ही आए थे, लेकिन ये 34 एपिसोड्स की कहानियां भी इतनी दमदार थी कि दर्शकों का मन नहीं भरता था। इसके अलावा इस कहानी पर बॉलीवुड में भी एक मूवी बन चुकी है जिसमें एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे और उन्होंने फिल्म में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी का किरदार निभाया था। अगला शो है बुनियाद। ये सीरियल आम लोगों से जुड़ी कहानी थी। इस सीरियल में एक आम आदमी के जज्बात के हर रंग होते थे और घर घर में ये सीरियल जाना जाता था। 1986 में आए सीरियल में विभाजन के बाद होने वाले दर्द को दिखाया गया था। कहानी का प्लॉट 1916 से 1978 के बीच रखा गया था। इसमें एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई थी जो लाहौर के बिच्छू वाली गली में रहता था। पार्टीशन के बाद ये परिवार भारत आ जाता है और इस परिवार को पाकिस्तान में उसकी संपत्ति के आधार पर लाजपत नगर में घर मिलता है। नए देश, नए लोग और नए घर में ये परिवार कैसे दिन गुजारता है, खुद को लोगों के बीच कैसे एडजस्ट करने की कोशिश करता है, यही इस कहानी में बताया गया है। इस सीरियल की लोकप्रियता अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले जैसी थी। आलोक नाथ ने मास्टर हवेली राम के किरदार को ऐसा यादगार बनाया था कि उसे आज भी दर्शक नहीं भूल पाए हैं। अगले सीरियल की बात करें तो वो है राजा और रेंचो। इस सीरियल को देखने के लिए लोग बेचैनी से शाम होने का इंतजार कर रहे होते थे और फिर फटाफट काम निपटाकर टीवी के सामने बैठ जाते थे, और फिर शो आता था राजा और रेंचो। ये भी एक डिटेक्टिव पर बेस्ड कहानी थी जिसमें एक बंदर डिटेक्टिव के साथ मिलकर केस सुलझाता था। लीड किरदार राजा और उसके साथ रेंचो नाम का बंदर दर्शकों को खूब पसंद आता था। इस सीरियल में राजा का किरदार निभाया था एक्टर वेद थापर ने। जिस स्टाइल और अदब से बोलते हुए वेद थापर रेंचो के साथ मिस्ट्री सुलझाते थे, वो आज भी लोग याद करते हैं। अगले सीरियल की बात करें तो वो है सुराग द क्लू। ये सुपरहिट डिटेक्टिव शो साल 1999 में हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक आता था। CID इंस्पेक्टर भरत के किरदार में एक्टर सुदेश बैरी जब एंट्री मारते तो सोता आदमी भी जाकर तुरंत टीवी की स्क्रीन में नजरें गड़ा लेता था। अपनी जिप्सी से उतरकर मौके पर पहुंच सबूत की तलाश में जुटना और फिर श्रीवास्तव को बुलाकर सबूत के बारे में बताने का जो अंदाज था उसके तो कहने ही क्या थे। ये डिटेक्टिव सीरियल 90 के दशक का सुपरहिट सीरियल था। भले ही सुदेश बैरी ने इसके बाद कई टीवी शोज फिल्मों में काम किया हो, लेकिन जो जलवा उन्होंने सुराग द क्लू में बिखेरा है उसके आगे सब फीका ही है। इंस्पेक्टर भरत चटर्जी इसमें क्रिमिनल केस सुलझाते थे। अगला शो है स्वाभिमान। देश का ये पहला टीवी शो था जिसने पहली बार 500 एपिसोड्स पूरे किए थे, और इसी सीरियल से बॉलीवुड को 30 एक्टर्स मिले थे। मनोज बाजपेयी जब अपने एक्टिंग के दिनों में स्ट्रगल कर रहे थे तब महेश भट्ट ने उन्हें ये सीरियल ऑफर किया था। इनके अलावा आशुतोष राणा, रोहित रॉय, अभिमन्यू सिंह, किट्टू गिडवानी, कई लोगों को इससे पहचान मिली थी। ये शो श्वेतलाना नाम की लड़की की कहानी बताता है जो बिजनेस टाइकून केशव मल्होत्रा की मिस्ट्रेस थी, लेकिन केशव की मौत के बाद श्वेतलाना आत्मनिर्भर बनकर उभरती है और अपने हक की लड़ाई लड़ती है। इस लड़ाई में लालच, पैसा, पावर सब कुछ रास्ते में आता है। श्वेतलाना का किरदार एक्ट्रेस किट्टू गिडवानी ने निभाया था और इसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था।
ये शो 1995 में आया था और इसके 5 ही एपिसोड जब आए थे तब से ये सीरियल सुपरहिट रहा था। इसने मंदिरा बेदी, मुकेश खन्ना जैसे कई एक्टर्स बॉलीवुड को दिए थे। इसके बाद आता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये दूरदर्शन का सबसे पुराना कॉमेडी शो है। ये शो 1989 में एयर हुआ था। इसमें हाल ही में आई सीरीज पंचायत के प्रधान रघुबीर यादव ने लीड रोल निभाया। शो आम आदमी की समस्याओं को दिखाता था लेकिन थोड़े मजाकिया अंदाज में। सीरियल इतना फेमस हुआ कि आम बोलचाल की भाषा में भी लोगों ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोलना शुरू कर दिया। ये एक मुहावरा सा बन गया। इसे दिन में सपने देखने वालों और खुली आंखों से सपने देखने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसे प्रकाश झा ने बनाया था। सीरियल के प्लॉट की बात करें तो इसमें मुंगेरी लाल का किरदार है जो बिहार के मुंगेर जिले में रहता था। पढ़ाई में काफी अच्छा खासा था लेकिन शहर में उसे लोग कुछ भी नहीं समझते थे। हर कोई उसे सुनाकर चला जाता था और कंपनी में वो अकाउंटेंट की नौकरी करता था। वहां भी वही हाल, बॉस भी मुंगेरी लाल पर बरस पड़ता था और कंपनी के कर्मचारियों से लेकर चपरासियों तक सब मुंगेरी की टांग खींचते थे। लेकिन अपने सपनों की हसीन दुनिया में उसे बहुत सुकून मिलता था। वो मन में सपने देखता था कि कैसे उसके बॉस उसकी तारीफ कर रहे हैं, पत्नी उसे सुना नहीं रही है और इस सबको बड़े ही कॉमेडी के लहजे से दिखाया जाता था। अगला सीरियल है शांति। 1994 में आए सीरियल में मंदिरा बेदी ने लीड रोल निभाया था। लोगों को ये इतना पसंद आया कि लोग मंदिरा को शांति के नाम से जानने लगे थे। ये देश का पहला डेली सोप सीरियल था। सोमवार से शुक्रवार तक इस सीरियल को दिखाया जाता था और इस सीरियल में मंदिरा का किरदार ऐसा था जो पहनावे से तो मॉडर्न नहीं थी लेकिन वो बहुत खुले विचारों की थी। पहले ये शो 1 साल तक चलना था लेकिन पॉपुलैरिटी की वजह से ये 4 साल तक चलता रहा था। इसकी कहानी शांति के उन दो लोगों से बदला लेने के इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने उसकी माँ के साथ बलात्कार किया था। वो अपनी माँ तुलसी पर हुए अपराध को उजागर करने के लिए अपने पेशे का इस्तेमाल करती है जो कि एक पत्रकार है और कहानी से पता चलता है कि कैसे उसकी माँ के साथ पुरुषों ने बलात्कार किया था जब वो शांति हवेली को बनाने के दौरान एक मजदूर के रूप में काम कर रही थी। इस सीरियल के लगभग 780 एपिसोड्स थे। 1990 के दशक में मंदिरा बेदी घर घर में इस सीरियल की वजह से जानी जाती थी। अगला नाम है सीरियल युग का। ये दूरदर्शन पर 1996 से लेकर 1997 तक टेलीकास्ट किया गया था। इसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी और भारत के लिए आजादी जीतने के उनके संघर्ष को बताया गया है। इसका डायरेक्शन सुनील अग्निहोत्री ने किया था और इसमें हेमा मालिनी, अश्विनी भावे, पंकज धीर, शहबाज खान, मुकेश खन्ना जैसे एक्टर्स थे। अगला सीरियल है अपराधी कौन। अपराधी कौन एक जासूसी टीवी शो था जो 1986 से 1987 तक दूरदर्शन चैनल पर आया था। ये शो इस बात के इर्द गिर्द घूमता था कि कैसे जासूस और उसकी टीम अपनी अकल और कौशल का इस्तेमाल करके अपने आसपास के अपराधों को सुलझाती है। अपराधी कौन अपने समय का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला थ्रिलर शो था और इसने दर्शकों का ध्यान भी खूब खींचा था। बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणे ने इसमें लीड रोल निभाया था। हालांकि सीरीज के कुछ एपिसोड्स में बहुत ज्यादा अपराध दिखाया गया था लेकिन फिर भी दर्शकों ने इसे देखने का मजा लिया क्योंकि इनमें से कई कहानियां वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित हैं। ज्यादातर एपिसोड छेड़छाड़, डकैती, हत्या, अपहरण और क्रूरता जैसे अपराधों पर आधारित है। इसमें विनय धुमले, राजू देसाई, नाना पाटेकर, रजा मुराद, आशुतोष राणा, कंवलजीत सिंह जैसे एक्टर्स थे। आखिर में नाम प्रेमचंद की कहानियों का। मुंशी प्रेमचंद ने हमें सैकड़ों कहानियां और उपन्यास दिए हैं। ईदगाह, दो पहलों की कथा, बड़े भाई साहब, गोदान, कर्मभूमि, निर्मला और सेवा सदन जैसी 250 कहानियां और 12 उपन्यास उन्होंने भारत की आजादी से पहले लिखे और उसमें भारत की दशा का वर्णन किया। दूरदर्शन पर सुनो कहानी के नाम से एक शो में प्रेमचंद की कहानियां सुनाई जाती थी। चंद शब्दों में ढेर सारी बातें कहे जाने का हुनर केवल मुंशी जी के पास ही था। उनकी लिखी हर कहानी आपको एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जाती है जहां से कोई बाहर ही नहीं निकलना चाहता है या निकल ही नहीं पाता है। और ऐसा ही कमाल दूरदर्शन पर आने वाली प्रेमचंद की कहानियों ने भी किया था। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।